नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड की। देखिए, यूट्राइन फाइब्रॉइड को हम कई और नाम से भी जानते हैं, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड, मायोमा ऑफ यूट्रस, फाइब्रोमायोमा और लियोमायोमा के नाम से भी जानते हैं। यूट्राइन फाइब्रॉइड देखने से पहले हम एक यूट्रस की बेसिक स्ट्रक्चर जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यूट्रस के कितने पार्ट रहते हैं। सबसे ऊपर फंडस, बॉडी ऑफ यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना, और उससे क्या जुड़ी रहती हैं, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। अब हम बात करेंगे यूट्रस की लेयर की। देखिए, यूट्रस की कितनी लेयर रहती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सेरोसा। बीच वाली लेयर किसको बोलते हैं, मायोमेट्रियम को, जो किसकी बनी होती है, स्मूथ मसल्स की। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, जैसे हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, जो एपिथेलियल सेल्स की बनी होती है। अब हम बात करते हैं यूट्रस के यूट्राइन फाइब्रॉइड की। देखिए, जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है वो कॉमनेस्ट बिनाइन ट्यूमर है यूट्रस का, और ये सबसे ज़्यादा फीमेल्स में देखने को मिलता है। हिस्टोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ये किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का और फाइब्रस कनेक्टेड टिश्यू का। हमने अभी बात करी कि यूट्रस की कितनी लेयर थी, तीन, और स्मूथ मसल से कौन सी लेयर बन रही थी, मिडिल लेयर, मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम बन रही थी तो हमें एक बात याद रखना है कि जितने भी यूट्राइन फाइब्रॉइड हैं वो बीच वाली लेयर से ही बनते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंसिडेंस की। देखिए, ऐसा देखा गया है कि जितने भी फीमेल जो यूट्राइन फाइब्रॉइड से सफ़र कर रही हैं उसमें से 20% फीमेल ऐसी होती हैं जिनकी एज ग्रुप 30 की है, जिनकी एज क्या है, 30 है। और 50% केसेस हमें ऐसे देखने को मिलते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड के जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, यानी कि एसिम्टोमेटिक रहते हैं। ओनली 3% केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास डॉक्टर के पास जो किसी केस सिम्टम्स को लेके आते हैं। और रेस की अगर हम बात करें तो ऐसा देखा गया है कि जो ब्लैक वुमेन हैं उनके अंदर कॉमन देखने को मिलता है यूट्राइन फाइब्रॉइड। अब हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस को बढ़ा देते हैं। जैसे सबसे पहले कॉमनली बात करते हैं एज की, तो 35 से 45 साल की एज ग्रुप के जो फीमेल्स हैं उनमें यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। रेस की अगर हम बात करें तो ब्लैक वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है, और जिनकी एज 20 साल से कम है उनमें रेयर ही हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड देखने को मिलता है। और मोर कॉमन रहता है नली पेरस फीमेल में। नली पेरस फीमेल कौन होती हैं, जिन्होंने एक भी बार प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया है, उन्हें हम नली पेरस फीमेल बोलते हैं। ओबेसिटी, जिनके अंदर ओबेसिटी ज़्यादा है उनके अंदर यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट, ब्लैक वुमेन और हार्मोनल इम्बेलेंस। और एक जेनेटिक भी कॉज रहता है, जेनेटिकली ऐसा देखा गया है कि जिनके जेनेटिक हिस्ट्री है उनको भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और जिनके अंदर विटामिन डी की डिफिशेंसी रहती है उनमें भी यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए, इसके ओरिजिन की अगर हम बात करें तो इसकी जो इटियोलॉजी है वो क्लियर नहीं है। अभी तक हमें ये नहीं पता है कि ये यूट्राइन फाइब्रॉइड होता क्यों है, लेकिन फिर भी कुछ प्रेवलिस हाइपोथेसिस है, कुछ हाइपोथेसिस जो है वो प्रचलित में है। लेकिन जो मायोमेट्रियम की सिंगल सेल होती है उस न्यूप्लास्टिक सेल में जो कन्वर्ट होती है, प्राइमरी जो इनिशियली एक सेल होती है उसमें प्राइमरी स्टिमुलेशन कहाँ से आ रहा है, अभी तक हमें ये नहीं पता है। कुछ थ्योरी हैं जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो ऐसा देखा गया है कि 40% केसेस में कि जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर 6 और 7 में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। और कुछ रोल ऑफ पॉलीपेप्टाइड ग्रोथ फैक्टर हैं जो भी इनकी वजह से भी क्या रहता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। कौन कौन सी हैं ये, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड की ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं, या तो डायरेक्टली कर देते हैं या वाया एस्ट्रोजन के द्वारा कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो देखिए, जितने भी ये यूट्राइन फाइब्रॉइड हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड एस्ट्रोजन डिपेंडेंट रहते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या है, इनक्रिमिनेटेड है। एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है इसके हमारे पास कुछ वो भी हैं, एविडेंस भी हैं। जैसे ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज में, क्योंकि उस टाइप पे क्या रहते हैं, हार्मोन कम रहता है एस्ट्रोजन। बट जब प्रेगनेंसी होगी तो यूट्राइन फाइब्रॉइड की ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है फीमेल उस टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल क्या रहता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। और ऐसा देखा गया है कि मेनार्की से पहले यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, और जो अब आफ्टर मीनोपोज भी हमें यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके
टाइप्स की। तो इसके दो टाइप्स रहते हैं, बॉडी और सर्विक्स। बॉडी को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल नाम से भी हम जानते हैं बॉडी के लिए। देखिए अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, एनाटॉमिकली क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना एक दिमाग लगाने की ज़रूरत है, हम उसको ईजिली याद कर सकते हैं, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमने बॉडी में बात करेंगे हम तीन चीज़ की, इंट्राम्यूरल, सबसीरस और सबम्यूकोजल। अब हम मैं समझाऊंगा कि इन्हें आप याद कैसे रखना है। देखिए हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल या इंट्राम्यूरल, ये सबसे कॉमन रहते हैं, लगभग 75% केसेस में यही देखने को मिल रहे हैं। अब हमने बात करी अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरस्टीशियल। देखिए इंटरस्टीशियल का मतलब क्या होता है, इंटरस्टीशियल का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो चीज़ है वो बीच में है, यानी कि दो सेलों के बीच में है, तो बीच वाली लेयर में जो यूट्राइन फाइब्रॉइड बनने हैं उनको क्या बोल रहे हैं हम, इंटरस्टीशियल या इंट्राम्यूरल। अब जितने भी आगे के जो दो हैं, कौन से, सबसीरस और सबम्यूकस, वो किससे बनेंगे, इंट्राम्यूरल से बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए जब ये इंट्राम्यूरल जब ये पुश आउट होगा किधर, पेरोटोनियम की तरफ, पेरोटोनियम जा, पेरोटोनियम क्या है बाहर की ओर, बाहर कौन सी लेयर है, सिरोसा, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब कौन सा बन जाएगा, ये सब सीरस या सब पेरोटोनियल, क्योंकि पुश आउट हो रहा है किधर, टूवर्ड्स दी पेरोटोनियम। अब अगर ये पुश आउट हो जाए अंदर की तरफ, अंदर के कहा बोले, यूटेराइन कैविटी की तरफ, अगर यूटेराइन कैविटी की तरफ पुश आउट हो रहा है तब कौन सा बनना है, सबम्यूकस, क्योंकि अंदर की लेयर कौन सी है, हमने बोला एपिथेलियल की बनी है। अगर उधर साइड को पुश आउट हो रहा है तो क्या हो गया, सबम्यूकस हो गया। ठीक है अब हम बात करते हैं सबसीरस की। देखिए सबसीरस के फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है, अब उनको भी हम याद करने की कोशिश करेंगे, याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे। देखिए सबसीरस दो तीन कितने टाइप के रह सकते हैं, सेसाइल रह सकते हैं, सेसाइल यानी कि वो एक ही जगह रुके हुए हैं, कहीं जा नहीं है, या फिर क्या हो सकते हैं, पेडनकुलेटेड हो सकते हैं। पेडनकुलेटेड बोले तो क्या हुआ, पेडिकल के द्वारा लटक गए किधर, जो पेरोटोनियम है उधर की साइड को, या क्या हो सकते हैं, ब्रॉड लिगामेंट या सूडो लिगामेंट के नाम से जानते हैं। ब्रॉड बोले तो ब्रॉड लिगामेंट यानी कि कुछ ब्रॉड लिगामेंट रहते हैं जो हमारे यूट्रस को क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगर उनके बीच में यूट्राइन फाइब्रॉइड डेवलप हो रहा है तो इस टाइप के फाइब्रॉइड को हम क्या बोलेंगे, ब्रॉड लिगामेंट या सूडो लिगामेंट के नाम से जानेंगे। अगला आता है पैरासाइटिक या वांडरिंग। पैरासाइटिक और वांडरिंग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आसपास की जो स्ट्रक्चर रहती हैं जैसे मेजेंट्रिक और ओमेंटम, उनके साथ ये जुड़ जाता है और वहाँ से क्या करने लगता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने लगता है, अपने आप को न्यूट्रिशन लेने लगता है वहाँ से। हमने पैरासाइट के बारे में देखा भी है कि पैरासाइट का मतलब ये क्या होता है, जो दूसरों से अपना भोजन लें, वो खुद अपना भोजन ना लेके वो दूसरों का भोजन छीन के खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, मेजेंट्रिक और ओमेंटम से क्या करते हैं, भोजन छीन के खाने लगते हैं, उनका भोजन लेने लगते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो इस टाइप के को हम क्या बोल रहे हैं, वांडरिंग या पैरासाइटिक। अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सबम्यूकस की। तो सबम्यूकस ओनली कितने टाइप के देखने को मिलते हैं हमें, 5% हमें सबम्यूकस देखने को मिलते हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, ये कितने टाइप के मिलेंगे, दो टाइप के, या तो एक ही जगह जुड़े रहेंगे या कितने कैसे हो जाएंगे, पेडनकुलेटेड हो जाएंगे। अगर पेडनकुलेटेड हो गए, अब इसके अलावा हमने बात करी थी सबसीरस की, उसमें हमें कई टाइप के देखने को मिले थे, जैसे ब्रॉड लिगामेंट और बॉन्डिंग भी देखने को मिला था, लेकिन यहाँ हमें ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए यूटेराइन कैविटी में कोई दूसरी स्ट्रक्चर नहीं है जो उनसे जुड़ जाए, या कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो हमें केवल दो टाइप के देखने को मिलेंगे सबम्यूकस में, कौन कौन से, सेसाइल और पेडनकुलेटेड। देखिए जो सबम्यूकस वाले जो रहते हैं उनमें कई बार इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, इन्फेक्शन या अल्सरेशन होने का खतरा रहता है, अल्सर या इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से हमें पेशेंट में मेटोरेजिया देखने को मिलता है। मेटोरेजिया क्या होता है, इरेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग, और उसमें कई बार नेक्रोसिस हो जाती है और आगे चल के कई बार वो कैंसर में भी डेवलप हो जाता है। देन हम बात करते हैं सर्वाइकल की। देखिए सर्वाइकल हमें रेयरली देखने को मिलते हैं 1-2% केसेस में, हमें रेयरली देखने को मिलते हैं 1-2% में। अब इनके हम ओरिजिन की बात करें तो सुप्रा वेजाइनल पार्ट में ऑफ द सर्विक्स। सुप्रा का मतलब क्या होता है, ऊपर, सुप्रा का मतलब ही क्या होता है, ऊपर, यानी कि वेजाइना के ऊपर वाले पार्ट में डेवलप हो रहे हैं, सर्विक्स वाले पार्ट में डेवलप हो रहे हैं, तो अब उन्हें क्या बोल रहे हैं, सर्वाइकल फाइब्रॉइड बोल रहे हैं। अब इनके ओरिजिन की बात करें तो ये या तो इंटरस्टीशियल रहेंगे या सब पेरोटोनियल रहेंगे। एनाटॉमिक यानी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में इनके कितने टाइप के रहते हैं, ये एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल और सेंट्रल।
एंड वेजाइनल सर्विक्स की बात करें तो ये यूजली हमें जो देखने को मिलते हैं ये किस टाइप के देखने को मिलते हैं, पेडेंकुलेटेड, जो सर्वाइकल फाइब्रॉइड है वो पेडेंकुलेटेड देखने को मिलते हैं हमें यूजुअली। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ डायग्राम शो करे हैं इन फाइब्रॉइड के। देखिए हमने यहाँ पे कॉमनली सारे दिखाए हैं, पेडेंकुलेटेड फाइब्रॉइड दिखाया है, सब सरोसल दिखाया है, सब म्यूकोजल दिखाया है, इंट्राम्यूरल, और सबको अलग अलग करके भी दिखाया है। देखिए इंट्राम्यूरल का हमने किसकी और बात करी थी, जो बीच वाली लेयर में उन्हें हम क्या बोले हैं, इंट्राम्यूरल बोले हैं, जो कि 75% केसेस में देखने को मिलते हैं हमें। अब हम बात करें सब पेरोटोनियल, सब पेरोटोनियल हमने बात करी थी कि किधर जा रहे हैं, टूवर्ड्स दी पेरोटोनियम कैविटी, पेरोटोनियम यानी कि जो बाहर वाली लेयर उधर को जा रहे हैं, तो हम किधर क्या बोल रहे हैं कि जो सब पेरोटोनियल है या सब सीरस है। अब हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाया है सब म्यूकस का, सब म्यूकस बोले तो अंदर वाली यानी यूट्राइन कैविटी की तरफ जा रहे हैं। अब यूट्राइन कैविटी की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या कर सकते हैं, यूट्राइन कैविटी में हमें क्या देखने को मिलेगी, इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि अंदर आ रहे हैं तो इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी और डिस्टॉर्टेड ऑफ यूट्रस भी देखने को मिलेगा। अब हमने यहाँ पर सर्वाइकल का भी दिखाया है, सर्वाइकल का देखिए। अब हम बात करते हैं इसके पैथोलॉजी की, जब पैथोलॉजी की बात करें तो हम इसे दो तरीका से देखेंगे, एक मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। जब हम इसे मैक्रोस्कोपिक देखेंगे तो हमें कैसा देखने को मिलेगा कि जो यूट्रस है वो क्या हो गया है, एनलार्ज हो गया है, साथ में उसमें क्या हो रही है, नोडुलर ग्रोथ हो रही है, और हमें कैसा देखने को मिलेगा कि फर्मी फीलिंग देखने को मिलेगी, साथ में हमें स्मूथ देखने को मिलेगा, और जब हम उसका क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे तो हमें उसकी जो सर्फेस है वो कैसी देखने को मिलेगी, वाइट सर्फेस देखने को मिलेगी, साथ में हमें देखने को मिलेगा कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है उसमें पूरे में हमको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे। जब हम उसे माइक्रोस्कोपिक ही देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि भैया उसमें मसल्स के जो टिश्यू है, मसल्स टिश्यू है, साथ में उसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। देखिए जो यूट्राइन फाइब्रॉइड है उनकी जो ओरिजिन होती है वो किससे हो रही है, स्मूथ मसल से होती है। इनिशियली जो स्टार्टिंग में किससे ओरिजिन होता है इसका, स्मूथ मसल से होता है, मसल से होता है, लेकिन आगे जाके क्या होते हैं उसमें जो कनेक्टिव टिश्यू है हमारे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वो जुड़ जाते हैं। इसके आधार पर इसका नाम भी रखा गया है फाइब्रॉइड और फाइब्रोमेटा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी चेंजेज ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड। देखिए अब यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ है तो उसमें क्या होगा, कुछ सेकेंडरी चेंजेज भी होंगे। तो सेकेंडरी चेंजेज में क्या क्या होगा, जैसे डिजनरेशन होगा, एट्रोफी होगी, नेक्रोसिस होगा, इन्फेक्शन होगा, वेस्कुलर चेंजेज और सार्कोमेटस चेंजेज यानी कि कार्सिनोमा चेंजेज। डिजनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम हाइलिन डिजनरेशन हमें सबसे कॉमन देखने को मिलता है, लगभग 65% केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, हाइलिन डिजनरेशन देखने को मिलता है। जो किस टाइप के फाइब्रॉइड में देखने को मिलता है, जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड रहते हैं उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हाइलिन डिजनरेशन देखने को मिलता है। साथ में इसमें क्या है, जो वेसल्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, और इसकी जो मार्जिन रहती है वो कैसी रहती है, क्लियर मार्जिन रहती हैं, साथ में मिडिल पार्ट कैसा रहेगा इसका, इलास्टिक रहेगा। जब हम इसे मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे इसका, जब इसकी कट सर्फेक्स देखेंगे तो हमें कैसी देखने को मिलेगी, रेगुलर देखने को मिलेगी, साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ होल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेंगे। अब हम जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला कि हाइलिन चेंजेज है, साथ में मसल्स एंड फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहे हैं हमें। देन हम इसके सिस्टिक डिजनरेशन की बात करें तो सिस्टिक डिजनरेशन हमें किस टाइप के यूट्राइन फाइब्रॉइड में देखने को मिलता है, ये इंटरस्टिशियल जो फाइब्रॉइड रहते हैं या इंट्राम्यूरल जो फाइब्रॉइड है उसमें देखने को मिलेगा क्या, सिस्टिक डिजनरेशन। ये और कब देखने को मिलेगा हमें, मीनोपोज की अवस्था में देखने को मिलेगा, जब मीनोपोज आएगा उस टाइम पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये कई बार हमें कंफ्यूज करता है, कौन सा सिस्टिक डिजनरेशन, कि प्रेगनेंसी है कि ओवेरियन सिस्ट है, इस चीज़ में हमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जब हम अल्ट्रासाउंड से इसको देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं फैटी डिजनरेशन की। देखिए फैटी डिजनरेशन कब होता है, तो आफ्टर मीनोपोज होता है। इसमें क्या रहता है, जो फैट के ग्लोब्यूल्स रहते हैं वो जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो सेल्स हैं उनके बीच में इसका डिपोजिशन हो जाता है फैट के ग्लोब्यूल्स का। अब हम बात करते हैं कैल्सिफिक डिजनरेशन या कैल्केरियस डिजनरेशन। ये कितने परसेंट देखने को मिलता है हमें, 10% देखने को मिलता है। इसमें क्या रहता है, ये किस टाइप के फाइब्रॉइड में देखने को मिलता है, तो ये सब सीरस फाइब्रॉइड में देखने को मिलता है। सब सीरस फाइब्रॉइड में क्या देखने को मिलता है, कैल्सिफिक डिजनरेशन। ये हमें याद रखना है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है।
इसमें क्या रहता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है और फॉस्फेट का डिपोजिशन हो जाता है सेल्स के बीच में। बाद में क्या रहेगा, ये कैल्सिफाइड हो जाता है ट्यूमर पूरी तरीका से, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉम स्टोन के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बॉम स्टोन किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम के डिपोजिशन होने की वजह से जब वो कैल्सिफाइड हो जा रहा है ट्यूमर, तो उसको क्या बोल रहे हैं, बॉम स्टोन बोल रहे हैं। देन रेड डिजनरेशन हमें किसमें देखने को मिलता है, ये लार्ज फाइब्रॉइड में देखने को मिलता है और सेकेंड हाफ प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। परप्यूरियम अनहाइजेनिक की कंडीशन में मल्टीपेरा फीमेल्स में देखने को मिलता है, या फिर जिन फीमेल में बार बार एबॉर्शन की हिस्ट्री रही है उन फीमेल्स में देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं एट्रोफी। तो देखिए ऐसा देखा गया है कि आफ्टर मीनोपोज, यानी मीनोपोज के बाद क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, हमने पैथोलॉजी में पढ़ा है। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा, फिजियोलॉजी में पढ़ा है, पैथोलॉजी में पढ़ा है, जब एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है फीमेल में, तो उसका जो यूटरस का साइज है वो क्या होगा, कम होगा, जैसे हम फिजियोलॉजिकल एट्रोफी बोलते हैं वो होती है। तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे कि जो एट्रोफी होती है, जैसे एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, तो उस कंडीशन में जो फाइब्रॉइड है उसका साइज भी क्या होता है, कम होता है। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि ये क्या है, एस्ट्रोजन डिपेंडेंट है, क्योंकि आफ्टर मेनोपॉज क्या हो रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूटराइन फाइब्रॉइड का लेवल भी, जो साइज है वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा। देन इन्फेक्शन हमें डिलीवरी और एबॉर्शन में देखने को मिलता है। नेक्रोसिस देखने को मिलती है हमें, किस टाइप में देखने को मिलती है नेक्रोसिस, जो सबम्यूकस पॉलिप में और जो पेडनकुलेटर सबसीरस फाइब्रॉइड है उनमें हमें देखने को मिलती है क्या, नेक्रोसिस। देन वेस्कुलर चेंजेस, इसमें क्या रहता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनका डायलिटेशन हो जाता है, साथ में जो लिम्फेटिक चैनल्स हैं उनका भी डायलिटेशन हो जाता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है इसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता है। देन हम सार्कोमेटस चेंजेस, तो ये हमें रेयरली देखने को मिलता है कि सार्कोमा में चेंजेस हो गए, कैंसर में चेंजेस हो गए यूट्राइन फाइब्रॉइड का, रेयरली देखने को मिलता है, 0.1% केसेस में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। देखिए सबसे पहले हमारे पास कोई पेशेंट आएगा तो हम पेशेंट की क्या लेंगे, प्रोफाइल लेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखा गया है, यूजुअली ये देखा गया कि जो फीमेल नल्ली पैरश हैं उनमें यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, उनमें ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, या फिर जिनके सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है जिन फीमेल में, उनमें यूट्राइन फाइब्रॉइड ज़्यादा देखने को मिलता है, या जिनकी अर्ली मैरिज हो गई है, या जिनके अंदर फ्रिक्वेंटली चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री है ऐसी फीमेल में देखने को मिलता है, या फिर जिनके अंदर टेंडेंसी है लेट मीनोपोज आने की, यानी डिले मीनोपोज ऐसी कोई फैमिली हिस्ट्री है तो ऐसी फीमेल में, या फिर जिनकी एज 35 से 45 साल के बीच की एज है ऐसी फीमेल में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कुछ सिम्टम्स की। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि मेजोरिटी ऑफ सिम्टम्स केसेस जो हैं उनमें एसिम्टोमेटिक रहते हैं, तो लगभग 50-75% केसेस ऐसे हैं कि इनमें कोई भी सिम्टम नहीं आते, एसिम्टोमेटिक रहते हैं। और जो कुछ केस हैं भी जो उनके अंदर सिम्टम्स लेके आएंगे, तो वो एनाटॉमी के आधार पे जाने की, या तो साइज के आधार पे केस उनका सिम्टम आ रहा होगा कोई, या फिर उस जो उसकी लोकेशन है उसके आधार पे कोई सिम्टम आ रहा होगा। जैसे मेस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी की, तो मेनोरेजिया 30% केसेस में हमें मेनोरेजिया देखने को मिलती है। ये क्यों होती है, क्योंकि देखिए एंड्रोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया हो जाती है, और एंड्रोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया होने की वजह से जो सरफेस एरिया है एंड्रोमेट्रियम का वो क्या रहता है, इंक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से हमें कहाँ देखने क्या देखने को मिलता है कि या तो एबनॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन देखने को मिलते हैं, साथ में वहाँ पे जो पेल्विक कंजेशन है वो देखने को मिलता है, या कंजेशन एंड डायलेटेशन ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया, ये मेट्रोरेजिया का मतलब क्या होता है, रेगुलर एसाइक्लिक ब्लीडिंग। इसमें क्या, ये किस कंडीशन में देखने को मिलेगा, हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि अल्सरेशन ऑफ फाइब्रॉइड हो रहा है तो उसके इसमें हमें मेट्रोरेजिया देखने को मिलेगा, या टॉन वेसल्स हो गए, या एंड्रोमेट्रियल कार्सिनोमा हो गया। डिस्मेनोरिया देखने को मिलेगा हमें, यानी कि डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंसेस। इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, इनफर्टिलिटी लगभग 30% केसेस में हमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है, जो कि 30% केसेस जो मेजोरिटी वाले जो कंप्लेन करते हैं कि हमको इनफर्टिलिटी है पेशेंट। अब इनफर्टिलिटी की कुछ और भी कॉज हो सकती हैं, जैसे यूटराइन में क्या हो सकता है, मेनोरेजिया हो रहा है, डिस्पेरिनिया हो रहा है, या एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं यूट्रस में उसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, या फिर क्या हो सकता है, जो फेलोपियन ट्यूब है वो भी एक फैक्टर हो सकता है, उसमें क्या हो गई सल्फेंजाइटिस हो रही है, या फिर क्या हो गई फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है उसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी देखने को मिल सकती है। ओवेरी से ओवम ही रिलीज नहीं हो रहा है, एनोवुलेशन हो रहा है, उस कंडीशन में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। साथ में पेरिटोनियल में क्या हो गया, एंड्रोमेट्रियोसिस हो गई है उसकी वजह से भी, या फिर कुछ केसेस में अननोन जिनके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है कि इनफर्टिलिटी क्यों है।
प्रेशर सिम्टम। अब यूट्राइन फाइब्रॉइड हुआ है तो उसकी वजह से क्या रहता है, कई बार हमें प्रेशर रिलेटेड सिम्टम्स भी आते हैं। अब प्रेशर रिलेटेड क्या होगा, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड है, बड़ा हो गया है, अगर आगे की साइड में तो किस पर प्रेशर डालेगा, जो यूरिनरी ब्लैडर है उस पर, तो उसकी वजह से क्या होगा, बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, और फ्रिक्वेंट मिक्चुरेशन होता है और साथ में बर्निंग्स के साथ में होता है। अगर पीछे की साथ में डालना है और डिस यूरिया भी होता है, और अगर पीछे के साथ में डालना है तो उसकी वजह से क्या होगा, डायरिया होगा और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। एब्डोमिनल इलार्जमेंट होगा, कई बार पेशेंट को ऐसा लगेगा जब उसको कि भैया उसके ऐसे सेंसेशन आएंगे कि उसके लोअर एब्डोमिन में क्या हो गया, हैवीनेस हो गई है, साथ में उसको ऐसा लगेगा कि लम्स, लोअर लम्स में लम्स लाइक फीलिंग होगी, डिस्पेरियोनिया होगा, और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होती है ऐसी फीमेल्स में जिनको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, उनमें क्या रहेगी, एबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है कई पेशेंट में, बार बार मिसक्रेज होता है उनको, और साथ में लोअर एब्डोमेन में क्या रहता है, उनको पेन बना रहता है। देन हम बात करते हैं साइन की, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। देखिए हम पेशेंट का एग्जामिनेशन कितने तरीका से करते हैं, तीन तरीका से करते हैं, पाल्पिटेशन द्वारा, परकशन द्वारा, ऑस्कल्टेशन द्वारा। हम यहाँ पर करेंगे पाल्पिटेशन। जब हम पाल्पेट करके देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि फर्मी फीलिंग रहेंगी, साथ में उसकी जो मार्जिन है वो कैसी रहेंगी, वेल डिफाइंड मार्जिन रहेंगे एक्सेप्ट लोअर पोल को छोड़ के, साथ में नोड्यूलर सरफेस रहेगी उसकी और रिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी रहेगी। यानी कि देखिए कोई सरफेस अगर स्मूथ है, अगर हम वहाँ पे हाथ अगर मूव करेंगे तो क्या होगा, स्मूथली मूव होगा, बट अगर वहाँ पे क्या कोई नोड्यूलर ग्रोथ हो गई है, अगर वहाँ पे हम उस एरिया में हाथ अपना मूव करेंगे तो क्या होगा कि हमें रिस्ट्रिक्शन फील होगी, हमारा हाथ अच्छे से स्मूथली क्या होगा, मूव नहीं करेगा। देन परकशन, जब हम उसे परकशन करके देखेंगे तो हमें डल स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देन हम जब पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, जब हम पेल्विक एग्जामिनेशन बाई मैनुअल करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यूट्रस इरेगुलरिटी देखने को मिलेगी, साथ में इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, और हमें क्या देखने को मिलेगा, स्वेलिंग फील्ड होगी पर एब्डोमेन में। देन अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी दिखाया है, पेल्विक एग्जामिनेशन बाय मैनुअल। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की। देखिए इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या कराएंगे पेशेंट का, सीबीसी कराएंगे, यूएसजी कराएंगे, यूएसजी नॉर्मल कराएंगे, देन यूएसजी नॉर्मल में समझ नहीं आएगा तब अपन क्या कराएंगे, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी कराएंगे। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जो है, हमने ओवेरियन सिस्ट की बात करी थी, ओवेरियन सिस्ट और प्रेगनेंसी के लिए भी क्या करती है, कंफर्म डायग्नोसिस बना देती है, और साथ में हमें लोकेशन और डायमेंशन बता देती है कि उस यूट्राइन फाइब्रॉइड का कितना डायमेंशन है। देन हम क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे उसका, SIS यानी कि सिस का मतलब होता है सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। देखिए सिस क्या होती है, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी क्या होती है, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 5-10 ml नॉर्मल सलाइन अपन जो यूट्राइन कैविटी है उसमें इंसर्ट कर देते हैं थ्रू द कैथेटर। देन हम क्या करते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हैं, ये डिटेक्ट कर देती है कोई भी अगर पैथोलॉजी डेवलप हो रही है हमारी यूट्राइन फाइब्रॉइड में उसमें, और इस केस में कैसे केस में, जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड है उस केस में कराते हैं। सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहाँ है, अंदर के साइड में है, है ना, यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो यूट्राइन कैविटी है, यूट्राइन फाइब्रॉइड उधर साइड में उसकी ग्रोथ हो रही है, तो ऐसे केस में अपन क्या करा देते हैं, सिस्ट यानी सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। देन MRI की बात करते हैं। देखिए MRI जो है वो बहुत एक्यूरेट यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हमें बता देती है अल्ट्रासाउंड के कंपैरिजन से बात करें तो, अल्ट्रासाउंड हमें उतने अच्छे से जानकारी नहीं देख पाता है, लेकिन MRI से हमें बहुत अच्छे से जानकारी मिल जाती है, और ये एडिनोमायोसिस और फाइब्रोसिस में भी क्या करती थी, डिफ्रेंशिएट कर सकती है, लेकिन हम इसे रूटीन यूज नहीं लेते हैं, इसका रूटीन में क्लिनिकली हम इसको रोज रोज नहीं कराते हैं जो MRI है। क्यों नहीं कराते, देखिए एक तो हर जगह ये अवेलेबल नहीं है, पहली चीज़ तो हर जगह अवेलेबल नहीं, सेकंड चीज़ ये थोड़ा कॉस्टली होती है, तो हम हर पेशेंट को इसको एडवाइस नहीं कर सकते। देन हम बात करते हैं लेप्रोस्कोपी। देखिए लेप्रोस्कोपी ये जो टेक्निक है, हम इसमें क्या करते हैं, जो अपनी जो पेरोटोनियम कैविटी है उसको विजुअलाइज करते हैं। इसमें कैसे विजुअलाइज करते हैं, देखिए इसके दो काम रहते हैं, पहले तो हम ये जरूर देख लें कि एक तो ये डायग्नोसिस में हेल्प करती है, सेकंड चीज़ ये सर्जरी में भी हेल्प करती है। इसमें क्या करते हैं कि जो एब्डोमिनल बाल है उसको अपन कट लगाते हैं, वहाँ पे इंसिजन देते हैं, किस में, अंडर एनीथीसिया यानी लोकल एनीथीसिया में, या फिर अंडर एनीथीसिया में अपन वहाँ पे सर्जरी करते हैं, छोटा सा कट लगाते हैं, और एक फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप रहता है जिसको इंट्रोड्यूस करते हैं एब्डोमिनल बॉल के थ्रू। ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं अपन, फिर विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पे सेफ साइज जो भी ओवर ग्रोथ है वहाँ की वो देखने की कोशिश करते हैं। देन हम बात करते हैं हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी देखिए क्या होती है,
स्टोरोप इसको भी डिटेक्ट करती है जो सबम्यूकस फाइब्रॉइड है। सबम्यूकस फाइब्रॉइड या अनएक्सप्लेन जो इनफर्टिलिटी है उस केस में हम इसको कराते हैं, या फिर बार बार किसी को मिसकैरेज हो रहा है उस केस में भी कराती है। ये क्या करती है, ये यूट्राइन कैविटी को डिटेक्ट करती है, यानी यूट्राइन कैविटी जो है उसको विजुलाइज करने का काम करती है। इसमें क्या करते हैं कि एक फाइब्रिक ऑप्टिक टेलीस्कोप रहता है, उसको ट्रांस सर्वाइकल यानी जो सर्वाइकल है सर्वाइकल के थ्रू अपन क्या करते हैं इसको यूट्राइन कैविटी में भेजते हैं। उसके बाद अपन क्या करते हैं इसका इंडिविजुअलाइज अपन वहाँ का क्या करते हैं उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं उस एरिया को, और वहाँ पे जो भी पैथोलॉजी डेवलप हुई है, जो भी ओवरग्रोथ डेवलप हुई है उसको अपन देखते हैं। देन हम बात करते हैं HSG। देखिए HSG क्या है, हिस्टेरोसाल्पिनोग्राफी। ये क्या है, एक एक्सरे है, एक एक्सरे प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं एक एक्सरे करते हैं, और इसमें क्या करते हैं एक कॉन्स्ट्रैक्ट मीडिया की जो डाई रहती है, कॉन्स्ट्रैक्ट जो मीडिया रहता है कॉन्स्ट्रास्ट, उसको क्या करते हैं अपन इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पहले अपन अंदर डाल देते हैं जो यूट्राइन कैविटी है उसमें, देन उसके बाद अपन क्या करते हैं एक्सरे करते हैं। तो इससे अपन क्या डिटेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी की जो फैलोपियन ट्यूब है अगर वो बंद है तो वो इसमें बहुत अच्छे से डायग्नोसिस हो जाती है। देन हम बात करते हैं यूट्राइन क्यूरेटेज की। तो यूट्राइन जो क्यूरेटेज है वो किस में कराते हैं अपन, सबम्यूकस फाइब्रॉइड में। इसमें भी या फिर रेगुलर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है या फिर यूट्राइन कोई पैथोलॉजी डेवलप होगी उस केस में अपन यूट्राइन क्यूरेटेज कराते हैं। देन हम बात करते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। देखिए इसके हम क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड का कोई केस है तो अपन क्या क्या डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी हो गया, फुल ब्लैडर हो गया, एडिनोमायोसिस हो गया, मायो हाइपरप्लेजिया हो गया, ओवेरियन ट्यूमर हो गया, एंड्रोमेट्रियल जो कार्सिनोमा हो सकता है उसमें, या ब्रॉड लिगामेंट ट्यूमर, इन केसों में क्या बना सकते हैं इनका अपन डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सकते हैं। देन हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ फाइब्रॉइड की। देखिए मैनेज ऑफ जो इसका जो मैनेजमेंट हम दो तरीका से करते हैं, एक तो एक सिम्प्टोमेटिक केस में करेंगे और दूसरा एसिम्प्टोमेटिक केस में करेंगे। सिम्प्टोमेटिक केस में कैसे करेंगे अपन, कि अपने पास कोई पेशेंट है जिसको क्या हुआ है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो अपन क्या करेंगे ब्लीडिंग कम करने की मेडिसिन देंगे उसको, या किसी को मेनोरेजिया हो रहा है तो अपन क्या करेंगे उसके मेनोरेजिया को ठीक करेंगे, या फिर किसी को मेटोरेजिया हो रहा है तो अपन मेटोरेजिया को ठीक करेंगे, किसी पेशेंट को एनीमिया हो गया है बहुत ज़्यादा तो अपन उसको क्या करेंगे एनीमिया को उसको करेक्ट करेंगे, या कई केस में अपन उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करेंगे। किसी को ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो अपन क्या करेंगे उसको ब्लड को मिनिमाइज़ करेंगे, ब्लड को रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए ब्लड मिनिमाइज़ करने के लिए कुछ ड्रग हैं, ड्रग क्या क्या है, जैसे एंटी प्रोजेस्ट्रॉन ड्रग देंगे अपन। एंटी प्रोजेस्ट्रॉन कौन है, मेफी प्रिस्टोन के नाम से आती है, डायनाजोल, GnRH एनालॉगस देंगे, एनोगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट देंगे, LNG IUS देंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटिक इनहिबिटर्स देंगे। देखिए अब हम बात करते हैं एंटी प्रोजेस्ट्रॉन या मेप्रिस्टोन की बात करते हैं। देखिए मेप्रिस्टोन क्या काम करती है कि जो हमारा यूट्राइन फाइब्रॉइड है उसकी ग्रोथ को कम करने का काम करती है पहला, तो दूसरा क्या जो मेटोरेजिया हो रहा है मेनोरेजिया हो रहा है उसको कम करती है, मेनोरेजिया को कम करती है, साथ में प्रोड्यूस कराती है ये एमिनोरिया। इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो है 25 से 30 mg फॉर 3 मंथ के लिए इसको देते हैं। देन डानाजोल, जो डानाजोल है वो क्या है एंटी गोनाट्रोफिन है बट ये एक्ट कैसे करती है एंडेरोजेनिक एगोनिस्ट एक्ट करती है। इसका काम क्या रहता है कि जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो ग्रोथ होगी उसको कम कराएगी, साथ में ब्लड लॉस को कम करेगी और एमिनोरिया प्रोड्यूस करेगी। एमिनोरिया का मतलब होता है ब्लड नहीं आने देती है। और इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो कितनी है 200 से 400 mg फॉर 3 मंथ के लिए इसको देते हैं। देन बात करते हैं हम GnRH एगोनिस्ट क्या करती हैं, ये पिट्यूटरी पे एक्शन करती हैं, साथ में ये उसके जो एक्शन है उसको रेगुलेट करती हैं, और साथ में ओवेरियन फंक्शन को क्या करती हैं ये सप्रेस करती हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ये GnRH एंटागोनिस्ट की। GnRH एंटागोनिस्ट ये क्या है, इमीडिएट सप्रेस करती थी पिट्यूटरी और ओवरी फंक्शन को।
PSI, अब हम बात करते हैं PSI है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर्स। ये रिलीफ में पेन, जो रिलीफ पेन होता है उसमें रिलीफ देती हैं। किस टाइप के पेन में? एंड्रोमेट्रियोसिस की वजह से अगर कोई पेन हो रहा है या डीजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड की वजह से अगर पेन हो रहा है तो उसमें क्या करती हैं, ये रिलीफ देती हैं पेन में। बट हम इन्हें कैसी कंडीशन में नहीं देते हैं? जैसे मेनोरेजिया, अगर फाइब्रॉइड की वजह से मेनोरेजिया हो रहा है तो उस केस में क्या करेंगे अपन, PSI जो मेडिसिन है उनको हम नहीं देंगे। LNG IUS जो मेडिसिन है वो क्या काम करती हैं, ये डिक्रीज करती हैं ब्लड लॉस के लिए, साथ में यूट्राइन फाइब्रॉइड का जो साइज है उसको भी कम करती हैं। बट हम इसे किस केस में नहीं देंगे, अगर जो यूट्राइन फाइब्रॉइड की जो ग्रोथ है वो 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से अगर ज़्यादा है या उसके बराबर है तो ऐसे केस में हम नहीं देंगे। साथ में अगर जो यूट्राइन कैविटी है वो डिस्टॉर्शन हो गया उसमें तो ऐसे केस में भी हम नहीं देंगे। देखिए अब हम बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की। देखिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम क्या कैसे देंगे, जैसे हाई प्रोटीन डाइट हम पेशेंट को बोलेंगे, भैया आप हाई डाइट प्रोटीन्स लो, साथ में हम आयरन सप्लीमेंट देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएंगे, अगर किसी की ब्लड ज़्यादा कम हो गया है तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, उसको ब्लड चढ़ाएंगे, उसके ऊपर ब्लड देंगे, बेड रेस्ट करने की उसको सलाह देंगे, साथ में अगर हमें कोई उसके अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस हो गया है तो हम उसको हार्मोन थेरेपी देंगे। देखिए अभी तक हमने जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट का हमने अभी मेडिकल वाला पार्ट पूरा समझ लिया है, देन हम बात करते हैं इसके सर्जरी वाले पार्ट की। तो देखिए सर्जरी हम किस केस में करेंगे, अगर उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है या किसी पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उस केस में अपन क्या करेंगे, उसको सर्जरी के लिए रिकमेंड करेंगे। अब सर्जरी अपन कितने टाइप की करेंगे, या तो मायोमेक्टोमी करेंगे, यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड को अपन क्या बोल रहे हैं, मायोमेक्टोमी बोल रहे हैं। मायोमेक्टोमी अपन कितने तरीका से करते हैं, तो दो तरीका से करते हैं, एंडोस्कोपी के द्वारा और लेप्रोटोमी के द्वारा। ठीक है, अब लेप्रोटोमी के द्वारा या फिर अपन क्या कराएंगे, जो हिस्टरेक्टोमी करा देंगे, हिस्टरेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस, या फिर अपन क्या कराएंगे, मायोलाइसिस कराएंगे। मायोलाइसिस कैसे कराते हैं, इलेक्ट्रोक्यूरेटेज के द्वारा या फिर लेजर क्रायो सर्जरी के द्वारा, क्रायो सर्जरी के द्वारा करते हैं। देखिए मायोलाइसिस का मतलब होता है मसल्स टिश्यू को क्या कराते हैं अपन, डिस्ट्रक्शन करते हैं, मसल जो टिश्यू है उनका क्या कराते हैं अपन, डिस्ट्रक्शन कराते हैं। इलेक्ट्रोक्यूटरी क्या है, इलेक्ट्रोक्यूटरी में क्या करते हैं अपन, जो अनवांटेड जो ग्रोथ रहती है कहीं भी स्किन की या किसी भी पार्ट की उसको अपन इलेक्ट्रोक्यूटरी के द्वारा क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। क्रायो सर्जरी क्या होती है, देखिए क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं अपन, डिस्ट्रक्शन करते हैं टिश्यू का, किसके द्वारा, बाय द फ्रीजिंग के द्वारा। इसमें अपन -60 डिग्री टेम्परेचर पे अपन जो सेल्स हैं उनमें क्या कराते हैं, डिहाइड्रेशन कराते हैं, और उसमें क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है इंट्रासेलुलर वाटर का, देन उसकी वजह से उसकी सेल की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। देन हम बात करते हैं इसकी जो एसिम्प्टोमेटिक है उसकी बात करते हैं। एक और बचा इसमें, हम उसको भी देख लेते हैं, एम्बेलोथेरेपी। देखिए एम्बेलोथेरेपी क्या रहता है, इसमें जो यूट्राइन आर्टरी है उसमें एम्बोलाइजेशन कराते हैं। कैसे एम्बोलाइजेशन कराते हैं कि उसकी वजह से क्या होगा, जैसे एम्बोलाइजेशन अपन कराएंगे, एम्बोलाइजेशन की वजह से क्या होगा, एवेस्कुलर नेक्रोसिस होगी, जिसकी वजह से यूट्राइन फाइब्रॉइड क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट में, कैथेराइजेशन करते हैं। कैथेराइजेशन कहाँ से करते हैं, तो जो फीमोरल कैथेराइजेशन करते हैं, फीमोरल कैथेराइजेशन के द्वारा अपन उसमें क्या करेंगे, इंजेक्शन डालते हैं, एक इंजेक्शन का नाम होता है पॉलीविनाइल अल्कोहल पार्टिकल्स डालते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, वहाँ जो वेस्कुलर है वेसल्स है वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाएगी, और नेक्रोसिस होने की वजह से क्या होगा, यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज जो है कम हो जाएगा। 80-90% केसेस में ऐसा देखा गया कि 60% तक यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज जो है वो कम हो जाता है। देन हम बात करते हैं एसिम्प्टोमेटिक की। देखिए अगर एसिम्प्टोमेटिक अगर कोई केस है तो हम 6 महीने तक स्टार्टिंग में उसको क्या रखेंगे, अपने सुपरविजन में रखेंगे। सुपरविजन में कब तक रखेंगे, अगर उसका जो साइज है यूट्राइन फाइब्रॉइड का 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से अगर कम है तो ऐसे पेशेंट को क्या करेंगे अपन, सुपरविजन में रखेंगे। हम 6 महीने तक उसको अपने सुपरविजन में रखेंगे और देखेंगे अगर 6 महीने के अंदर उसके जो साइज है अगर वो इंक्रीज हुआ, सिम्टम्स अपीयर हुए, तो अपन उसको क्या करेंगे, सर्जरी के लिए रिकमेंडेड करेंगे। बट अगर उसके साइज वैसे ही बना रहा या उसका कम हो गया, सिम्टम्स कम हो गए, तो ऐसे केस में क्या करेंगे अपन, उसको फॉलो अप में रखेंगे। देन हम बात करते हैं सर्जरी। सर्जरी कैसे केस में कराते हैं कि जिनका यूट्राइन फाइब्रॉइड का साइज 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से अगर ज्यादा है तो ऐसे केसेस में अपन क्या कराते हैं, डायरेक्ट सर्जरी कराते हैं, या फिर
क्या हो रहा है, अनएक्सप्लेन कोई इनफर्टिलिटी हो रही है, एबॉर्शन हो रहा है, पेडनकुलेटेड फाइब्रॉइड है, तो इस केस में अपन क्या कराते हैं, सर्जरी कराते हैं। देन हम बात करते हैं जो सर्वाइकल फाइब्रॉइड है उनकी बात करते हैं। सर्वाइकल फाइब्रॉइड में क्या कराएंगे, सुप्रा वेजाइनल हो सकता है या वेजाइनल वाला हो सकता है, तो अपन क्या करेंगे मायोमेक्टोमी, स्ट्रेक्टोमी और मायोमेक्टोमी और पॉलीमेक्टोमी, इस टाइप से अपन इनका मैनेजमेंट करते हैं। देखिए यहाँ तक हमने अपन मैनेजमेंट की बात करी है, अब अपन बात करते हैं यूटेराइन पॉलिप की। देखिए यूटेराइन पॉलिप और फाइब्रॉइड में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अपन बेसिकली एक चीज़ अपन ध्यान रखने, जैसा अपन ने वहाँ पे ध्यान रखा था कि जो यूटेराइन फाइब्रॉइड है वो कहाँ डेवलप हो रहे थे, बीच वाली लेयर में डेवलप हो रहे थे, बीच वाली लेयर बोले तो मायोमेट्रियम। लेकिन ये पॉलिप जो है, अपन को यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि पॉलिप किस में डेवलप हो रहे हैं, एंड्रोमेट्रियम में डेवलप हो रहे हैं। ये अपन को यहाँ पे याद रखना है कि जो भी पॉलिप डेवलप होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं, एंड्रोमेट्रियम में डेवलप होते हैं। अब अपन साथ में कंपैरिजन करते चलेंगे साथ साथ में कि यूटेराइन फाइब्रॉइड और पॉलिप में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला अंतर तो यही, जो पॉलिप है वो कहाँ बन रहे हैं, एंड्रोमेट्रियम में बन रहे हैं, और जो फाइब्रॉइड है वो कहाँ बन रहे हैं, मायोमेट्रियम में बन रहे हैं। और जो पॉलिप के हम बात करें कि पॉलिप किस एज ग्रुप में हमें देखने को मिलता है, 40 से लेके 50 साल की उम्र में हमें देखने को मिलेंगे, कौन, पॉलिप। 40 से 50 साल की उम्र में पॉलिप देखने को मिलते हैं, जबकि यूटेराइन फाइब्रॉइड किस एज में देखने को मिल रहे थे हमें, 35 टू 45 की एज में। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप के हमें पॉलिप देखने को मिलते हैं, जैसे म्यूकोजल पॉलिप होता है, म्यूकस पॉलिप होता है, फाइब्रॉइड पॉलिप होता है, प्लेसेंटल पॉलिप होता है। अब अगर इनमें चेंजेस हो गए हैं पॉलिप में तो क्या हो सकता है, कैंसर डेवलप हो सकता है, यानी मैलिग्नेंट डेवलप हो सकता है। तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं, जब कोई नया नया कैंसर बनता है तो उसको अपन डेवेनो के नाम से जानते हैं। जब पॉलिप में सेकेंडरी चेंजेस होते हैं तो सेकेंडरी चेंजेस की वजह से क्या हो जाता है, कैंसर डेवलप हो जाता है, जिसे अपन डिनेवो बोलते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूकस पॉलिप की। देखिए म्यूकस पॉलिप जो है क्या है, बिनाइन ट्यूमर है। क्या है, बिनाइन। यूटेराइन पॉलिप कैसा रहता है, बिनाइन रहते हैं, ये क्या है, बिनाइन है, है ना, बिनाइन है। और साथ में ये कहाँ कहाँ डेवलप होते हैं, बॉडी वाले पार्ट में डेवलप होते हैं और सर्विक्स में। अपने बात करी थी यूट्रस के दो जगह, दो पार्ट की बात करी थी अपने, कि बॉडी वाला, उसके नीचे सर्विक्स और उसके नीचे वेजाइना रहती है। तो देखिए जो पॉलिप है वो कहाँ डेवलप होंगे, एक तो बॉडी वाले पार्ट में डेवलप होंगे और सर्विक्स वाले पार्ट में डेवलप होंगे। इनके कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनकी HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, ऐसे केसेस में हमें क्या देखने को मिलता है कि पॉलिप ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, या फिर किसी में हाइपर टेंशन है तो ऐसे केस में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, या फिर डायबिटीज़ के केस में, ओबेसिटी के केस में, या फिर जिनकी एज बढ़ रही है ऐसे केस में भी हमें पॉलिप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देखिए अब हम इसकी कुछ पैथोलॉजी की बात करते हैं, यानी कि बॉडी वाले में अगर बॉडी में कोई पैथोलॉजी होगी तो हमें कैसा देखने को मिलेगा, जब हम बॉडी वाले को देखेंगे और जब सर्विक्स वाले को देखेंगे तो सर्वाइकल वाले को देखेंगे तो हमें कैसा पॉलिप देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बॉडी की। देखिए बॉडी क्या है, बॉडी में के जो थिक एंड्रोमेट्रियम हो जाती है और साथ में वो प्रोजेक्ट कर जाता है पॉलिप, है ना, पेडनकुलेटेड हो जाता है, पेडनकुलेटेड टाइप के रहते हैं, और क्या रहेगा वो उसकी जो बॉल रहेगी उससे चिपके रहेंगे पेडनकुलेटेड हो गए, तो ये क्या कॉज कराते हैं, इनफर्टिलिटी कॉज कराते हैं। जब हम इन्हें माइक्रोस्कोपिक इनका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें पॉलिप का जो साइज देखने को मिलेगा वो कैसे देखने को मिलेगा, 1 से 2 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। जब हम इसे देखेंगे, अपनी कलर देखने की कोशिश करेंगे तो हमें रेडिश कलर के देखने को मिलेंगे। फीलिंग इसकी कैसी रहेगी, सॉफ्ट फीलिंग रहेगी। जब हम इसे माइक्रोस्कोप से एग्जाम करेंगे तो हमें कैसा देखने को मिलेगा कि भैया इसमें स्ट्रोमल सेल्स देखने को मिलेंगे, ग्लैंड देखने को मिलेंगे, साथ में ब्लड वेसल से देखने को मिलेंगे, एस्क्वामस मेटाप्लेजिया देखने को मिलेगा, और मैलिग्नेंट में रियली हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि ये रियली मैलिग्नेंट में चेंज हुआ है। देन हम बात करेंगे सर्वाइकल की। जो सर्वाइकल सर्वाइकल है, सर्वाइकल हमें कैसे देखने को मिले कि ये मैली एराइजेज हो रहे हैं, एंडोसर्विक्स और एक्टोसर्विक्स रियली हमें देखने को मिल रहे हैं। जब हम इनका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमें कैसे देखने को मिले कि 1 से 2 सेंटीमीटर के देखने को मिल रहे हैं, सिंगल हैं और रेड कलर के हैं। जब हम इनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें स्ट्रोमल सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड टिश्यू हैं, साथ में ब्लड वेसल्स हैं, और हमें क्या देखने को मिल रहा है, रियली हमें सर्वाइकल ग्लैंड देखने को मिल रही है, स्क्वामस मेटाप्लेजिया देखने को मिल रहा है, और मैलिग्नेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं सिम्टम्स की। देखिए जो म्यूकस जो पॉलिप है उसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर हमने एक डायग्राम भी दिखाया है यूटेराइन पॉलिप का, वो आप देख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में क्या देखने को मिल रहा है कि रेगुलर इंटरमिटेंट यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट में, कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग देखने को मिल रही है कई समटाइम्स। साथ में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ऑफेंसिव एंड एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिल रहा है हमें पेशेंट में। इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है। साइन की बात करें तो हमें साइन क्या क्या देखने को मिलेंगे, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, हैवीनेस देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइब्रॉइड पॉलिप की। देखिए जो फाइब्रॉइड पॉलिप है वो भी कहाँ कहाँ एराइज होंगे, वो हमें बॉडी वाले पार्ट में भी देखने को मिलेंगे और वो हमें सर्विक्स वाले पार्ट में भी देखने को मिलेंगे। अब हम बॉडी वाले को देखेंगे, बॉडी वाला जो पॉलिप है वो हमें कैसा देखने को मिलेगा। तो यूजुअली जो पॉलिप रहते हैं देखिए वो कैसे रहते हैं, सिंगल रहते हैं। ये चीज़ हमें याद रखना है कि पॉलिप कैसे रहते हैं, सिंगल रहते हैं। जबकि यूट्राइन फाइब्रॉइड कैसे रहते हैं, वो मल्टीपल रहते हैं। साइज में कैसे रहेंगे, छोटे रहेंगे, ये वेरिंग इन साइज में रहेंगे। साथ में हमें इन्हें कई बार इनमें हमें नेक्रोसिस देखने को मिलता है, इन्फेक्शन देखने को मिलता है एंड हेमरेज देखने को मिलती है, स्पेशली टिप पे देखने को मिलती है हमें। एंड रेडी जो पेडिकल है वो कैसा रहेगा इनका, ब्रॉड रहेगा। जो बॉडी वाले पार्ट के जो पॉलिप है फाइब्रॉइड, इसको हमें मेटाप्लेजिया देखने को मिलेगी। और हमें साथ में क्या देखने को मिलेगा कि इसकी जो कोर है वो किस किसकी बनी है, फाइबर मस्कुलर टिश्यू की स्ट्रक्चर बनी है इसमें। अब हम बात करते हैं देखिए सर्विक्स, जो सर्विक्स वाले जो पॉलिप है फाइब्रॉइड वो हमें कैसे देखने को मिलेंगे। यूजुअली ये एक्टोसर्विक्स और कैसी रहेगी, पोस्टीरियर लिप पे इसकी ओरिजिन रहेगी, स्मॉल रहेंगे और साथ में सिंगल रहेंगे यूजुअली। देन हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। तो देखिए हमें यहाँ पर देखिए हमने कुछ एक डायग्राम्स के द्वारा भी दिखाने की कोशिश करी है। ये क्या है, पॉलिप है। कौन सा पॉलिप है, फाइब्रॉइड पॉलिप है। फाइब्रॉइड पॉलिप का क्या हो गया है, बाहर निकल के आ गया, पेडुनकुलेटेड टाइप का है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इंट्रा मेस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट के एब्डोमेन में पेन रहेगा, कॉलिकी पेन रहेगा, एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा पेशेंट में। और ये क्या हो सकता है, कई बार ये ऑफेंसिव भी हो सकता है जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। साथ में पेशेंट को ऐसे सेंसेशन आएंगे कि उसके शरीर से क्या आ रहा है, कुछ बाहर आ रहा है, समथिंग बाहर आ रहा है, इस टाइप के उसको क्या होंगे, सिम्टम्स आएंगे। पॉलिप कैसे रहेंगे, डिस्टेंडेड रहेंगे और कई बार क्या करेंगे, एसिम्टोमेटिक भी रहेंगे पेशेंट में। देन हम इसके साइन की बात करें तो साइन में हमें क्या देखने को मिला, जनरल एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो पेशेंट में हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। जब हम पर वेजाइना इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या देखने को मिला कि जो यूट्रस है वो क्या हो गया है, बल्की हो गया है। और जब हम हाथ से फिल कर रहे हैं तो हमें टिप पे क्या फील होगा, जो पॉलिप का जो टिप है वो हमको फेल होगा। स्पेकुलम एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं, जो पॉलिप है उसका साइज का पता लगा सकते हैं, कलर का पता लगा सकते हैं। पॉलिप यूजुअली कैसे रहते हैं, पेल कलर के देखने को मिलेंगे। अगर हेमरेजिक होंगे तो हमें कैसे देखेंगे, पेल कलर के देखने को मिलेंगे। देन हम बात करते हैं प्लेसेंटल पॉलिप की। प्लेसेंटल पॉलिप किस वजह से डेवलप होते हैं, रिकरेंट एबॉर्शन की वजह से या मिसकरेज की वजह से। इनके सिम्टम की बात करें तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे कि भैया जो प्लेसेंटा है वो क्या है, बचा हुआ है, उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया है, पर्पुरियल शॉक देखने को मिलेगा, हाई ग्रेड पेशेंट में फीवर देखने को मिलेगा, सीवियर कॉलिक देखने को मिलेगा, रेगुलर ब्लीडिंग पर वेजाइना और ऑफेंसिव वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। देखिए अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन हम पेशेंट का क्या क्या कराएंगे, CBC कराएंगे, BDSR कराएंगे, साथ में ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी कराएंगे, हिस्टेरोस्कोपी कराएंगे और हिस्टेरोग्राफी कराएंगे। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे तो हिस्टेरेक्टोमी करा सकते हैं। हिस्टेरेक्टोमी मतलब यूट्रस को क्या करा सकते हैं, अपन रिमूव करा सकते हैं, साथ में क्या हिस्टेरोस्कोपी करा सकते हैं और यूट्राइन क्यूरेटेज करा सकते हैं। देखिए अगर कोई पेशेंट है जिसमें बार बार पॉलिप हो रहा है तो पॉलिप होने को अपन क्या कर सकते हैं, बार बार पॉलिप हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कॉज हो सकते हैं। देखिए कॉज क्या होगा, इनकम्प्लीट रिमूवल हो रहा है किसका, पॉलिप का, तो उसको भी अपन उसके इसमें भी क्या हो सकता है, जो पॉलिप है वो डेवलप हो सकता है अगर इनकम्प्लीट रिमूवल हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है, जो मैलिग्नेंसी है अगर वहाँ पे उसके इसमें भी बार बार होने के चांसेस है, या फिर कोई ऐसी कॉज है उसके पीछे जुड़ी हुई, कोई कॉज है उसके पीछे जुड़ी हुई जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉलिप बार बार डेवलप हो रहा है,
या क्या हुआ, जो सर्वाइकल पॉलिप है वो क्या किया, पेडिकल से ट्विस्ट करके रिमूव कर दिया, तो ऐसी केस में भी क्या हो सकता है, दोबारा से पॉलिप होने के चांसेस है। अपने वो डिफरेंस की बात करते हैं अपन पॉलिप के और फाइब्रॉइड के। तो देखिए अपन ने क्या देखा था कि जो पॉलिप है वो किसके बने हैं, कहाँ पे कहाँ बनते हैं, तो एंड्रोमेट्रियल टिश्यू में बनते हैं। जबकि यूट्राइन फाइब्रॉइड कहाँ बनना है, तो ये कहाँ बनना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में बनना है, स्मूथ मसल्स का बना होता है और बीच वाली लेयर में बनता है, बीच वाली लेयर बोले तो मायोमेट्रियम। अब हम बात करते हैं पॉलिप्स आर नॉन कैंसर। देखिए पॉलिप भी नॉन कैंसरस होते हैं, यूट्राइन फाइब्रॉइड भी नॉन कैंसरस रहते हैं, बट कई बार ये क्या रहते हैं, कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन, पॉलिप। कंपेरिजन करें यूट्राइन फाइब्रॉइड से तब। देन हम एज की बात करें तो हमें पॉलिप किस एज में देखने को मिलते हैं, तो जिनकी एज 40 से 50 साल की रहती है उनमें हमें कॉमन देखने को मिलता है पॉलिप। और यूट्राइन फाइब्रॉइड किस में देखने को मिलता है, जिनकी एज रहती है 35 से 45 साल। अब हम बात करते हैं साइज की, तो देखिए जो पॉलिप है वो कैसे देखने को मिलते हैं हमें, छोटे साइज में देखने को मिलते हैं, जबकि यूट्राइन फाइब्रॉइड किस में देखने को मिलते हैं, बड़े साइज में देखने को मिलते हैं। देन हम बात करते हैं साइज की, तो जो पॉलिप है वो ओवल साइज रहेंगे या राउंड शेप के रहेंगे, जबकि जो फाइब्रॉइड है वो कैसे रहेंगे, राउंडेड रहेंगे। नंबर की अगर हम बात करें तो पॉलिप हमें सिंगल देखने को मिलते हैं यूजुअली, जबकि फाइब्रॉइड हमें कैसे देखने को मिलने हैं, वो मल्टीपल साइज में देखने को मिलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए हैं, उनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है, फाइब्रॉइड यूट्रस में प्रेजेंट विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड में क्या क्या होता है किसको छोड़ के। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला आंसर है इसका एमिनोरिया, पेल्विक मास, इनफर्टिलिटी और पेलिमोनोरिया। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट साइट ऑफ द फाइब्रॉइड, इसका भी आंसर आप कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल आर यूज्ड सिरिंग फाइब्रॉइड एक्सेप्ट, मतलब कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जिन्हें अपन यूज करते हैं किसमें, फाइब्रॉइड को कम करने, उनका साइज को कम करने में। इनके सबके आंसर आपको मिल जाएंगे, जब आप वीडियो में देखेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, यूट्राइन फाइब्रॉइड को अपन किस किस नाम से जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में बात की थी। देन कैल्केरियस डिजनरेशन अकर्स मोस्ट कॉमनली इन विच टाइप फाइब्रॉइड, इसकी बात भी मैंने की थी जब डिजनरेशन की अपन बात कर रहे थे उस टाइम पे। अब पीछे जाके वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 6 है कि डायग्नोसिस ऑफ स्मॉल म्यूकस फाइब्रॉइड कैन बी बेस्ट डन। देखिए इसके आंसर भी आपको मिल जाएगा जब आप पीछे वीडियो में देखेंगे तो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।